हे गाइस, माय नेम इज़ इमरान एंड वेलकम टू सर्वाइवल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेस कमांड के बारे में। तो चलिए जानते हैं लेस कमांड क्या है और इससे हम क्या चीज़ें कर सकते हैं। ओके, सो द लेस कमांड इज़ बेसिकली इन लिनक्स इज़ ए टेक्स्ट व्यूअर दैट अलाउ यू टू व्यू द कंटेंट्स ऑफ टेक्स्ट फाइल्स वन स्क्रीन एट अ टाइम। तो बेसिकली जो लेस कमांड है, ये एक टेक्स्ट व्यूअर है। ये हमें अलाउ करता है व्यू करने का कंटेंट्स ऑफ टेक्स्ट फाइल्स, जो भी टेक्स्ट फाइल्स होते हैं उसे, उसके अंदर क्या कंटेंट है वो देखने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ पार्टिकुलरली यूजफुल फॉर व्यूइंग लार्ज फाइल बिकॉज इट लोड्स द फाइल इंक्रीमेंटली, मेकिंग इट फास्टर एंड मोर इफिशियंट देन अदर टेक्स्ट व्यूअर्स लाइक कैट और मोर। जब भी बात आती है लार्ज फाइल देखने की बेसिकली, तो हम इसमें यूज़ करते हैं लेस कमांड का, क्योंकि अगर हम यूज़ करें कैट कमांड और मोर कमांड, मोर कमांड तो अभी अब तक हमने पढ़ा नहीं है, हमने कैट कमांड पढ़ा है। तो बेसिकली कैट कमांड क्या करता है, फाइल के अंदर जो भी कंटेंट होते हैं वो सारे हमारे टर्मिनल पर प्रिंट करके दे देता है। लेकिन अगर फाइल बहुत बड़ी हुई, बहुत लार्ज हुई, तो सारी चीज़ें प्रिंट कर देगा, तो फिर हम एक एक करके उसको पढ़ नहीं सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम काम में लेते हैं लेस कमांड का। इसके साथ में और सारे ऑप्शंस भी देखने को मिलते हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। यू कैन स्क्रॉल थ्रू द फाइल, सर्च फॉर टेक्स्ट एंड नेविगेट ईजिली विद इन द लेस व्यूअर। तो हम इसमें स्क्रॉलिंग कर सकते हैं, कोई टेक्स्ट है उसको सर्च कर सकते हैं, और हम नेविगेट कर सकते हैं पेजेस। बेसिकली ये सारी चीज़ें हम लेस व्यूअर के साथ कर सकते हैं। तो लेस कमांड के साथ बेसिकली हमें टर्मिनल पे लेस व्यूअर ओपन होता है। टू यूज लेस, सिंपली टाइप लेस फॉलोड बाय द फाइल नेम ऑफ द टेक्स्ट फाइल यू वांट टू व्यू। हमें बस टाइप करना होता है लेस, फिर फाइल का नाम, तुम्हारा लेस कमांड एग्जीक्यूट होता है और लेस व्यूअर के साथ वो फाइल ओपन हो जाता है। तो गाइज, ये है लेस कमांड का इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं उबंटू की मशीन पे, फिर वहाँ पे हम देखते हैं इसका लाइव डेमो। ओके गाइज, तो हम आ चुके हैं अपनी उबंटू की मशीन पे। अभी मैं काम कर रहा हूँ ई बुक नाम की डायरेक्टरी के अंदर। ओके, और मेरे पास यहाँ पे एक फाइल है जिसका नाम है द एडवेंचर ऑफ शेरलॉक होम्स डॉट टी एक्स टी। अगर बात करें इस फाइल की साइज़ की, तो बेसिकली आप देख पाएंगे इसका साइज़ है 6.2 मेगाबाइट। ओके, सो अब हमें मान लो कि हमारा टेक्स्ट फाइल है, तो इसका हमें कंटेंट देखना होता है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं कैट वी फाइल का नाम, तो हमारे सामने इसके अंदर का कंटेंट प्रिंट हो जाता है टर्मिनल पे। लिख दे सकते हैं, इसने काफ़ी टाइम लगाया इसको लोड होने में। फिर हमें अगर पढ़ना है स्टार्टिंग से, तो हमें बस इसे स्क्रॉल करना पड़ेगा, तब जाकर हम इसे पढ़ पाएंगे। लेकिन अगर हमें स्टार्टिंग से पढ़ना है, तो या तो किसी एडिटर में इसे ओपन कर सकते हैं, या फिर हम लेस कमांड का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम काम करते हैं, हम कैट करके इसका लाइन काउंट कर लेते हैं कि इसके अंदर कितनी लाइन्स हैं, जैसे कि हमने बात किया था कैट कमांड सीखते समय। ओके, तो इसके अंदर है 128,459 लाइन, 128,459 लाइन्स आपको इस फाइल के अंदर में देखने को मिलती हैं, जो कि काफ़ी बड़ी फाइल है। एक्चुअली में ये एक बुक है। ओके, सो लेस कमांड यूज़ करने के लिए बेसिकली हम करते हैं LESS फेस पे देते हैं, फिर देते हैं फाइल का नाम, फिर करते हैं एंटर। ये हमारी फाइल लोड हो चुकी है, हम आप स्टार्टिंग से यहाँ से पढ़ सकते हैं। और हमें जब नेक्स्ट लाइन पढ़नी हो, फॉर एग्जांपल हमने ऑथर तक पढ़ लिया, ठीक है, हमें नेक्स्ट आगे पढ़ना है, तो कीबोर्ड में जो अप डाउन का एरो बटन होता है उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं नीचे पढ़ने के लिए, और ऊपर जाने के लिए आप एरो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा चीज़ है, कॉन्सेप्ट है ऊपर नीचे करने के लिए। अब हम अगर यहाँ पे हैं, ओके, अब हम क्या करते हैं, हमने पूरा पेज पढ़ लिया, हम नहीं चाहते कि एक एक लाइन करके हम आगे बढ़ें, हम चाहते हैं डायरेक्ट नेक्स्ट पेज तक चले जाएं। तो उसके लिए आपको कीबोर्ड पे प्रेस करना है सिर्फ स्पेस बटन। जैसे स्पेस करोगे, फिर स्पेस, फिर स्पेस, तो आप एक एक पेज आगे बढ़ते जाओगे। और ठीक इसके अपोजिट अगर आपको प्रीवियस पेज पर जाना है, तो आप कीबोर्ड पर प्रेस करो बी फॉर बलून, तो आप बी प्रेस करो बेसिकली, तो आप प्रीवियस पेज पर चले जाओगे। उसके बाद अगर आपको इस पूरे फाइल का सबसे एंड तक पहुंचना है, तो आप प्रेस करो जी, को भी कौन सा, कैपिटल जी, तो बेसिकली आपको प्रेस करना है शिफ्ट के साथ जी, तो बेसिकली ये आपका कैपिटल की तरह काम करेगा। तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पे एंड तक पहुंच चुके हैं।
और ठीक इसके अपोजिट अगर आप एंड तक हैं, आप चाहते हैं स्टार्टिंग में पहुंचना, तो आप स्मॉल जी कीबोर्ड पर प्रेस कर सकते हैं, तो आप स्टार्टिंग तक यानी एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल पहुंच सकते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं इसमें हम चीज़ों को सर्च कैसे कर सकते हैं। कोई वर्ड है उसे हमें सर्च करना है तो कैसे कर सकते हैं। सो सर्च करने के दो तरीके हैं, एक है असेंडिंग वे में, एक है डिसेंडिंग वे में। तो सबसे पहले बात करते हैं असेंडिंग वे में। ओके, तो बेसिकली आपको लिखना है स्लैश। स्लैश लिखने के बाद हम यूज़ करेंगे कोई वर्ड, जैसे कि कोल्ड। ओके, हम लिखेंगे COLD, फिर करेंगे एंटर। तो स्टार्टिंग के बाद असेंडिंग ऑर्डर में जो पहला वर्ड मिलेगा कोल्ड, वो हमारा हाईलाइट हो चुका है। फिर और आगे देखना है तो हम कीबोर्ड पर प्रेस करेंगे N फॉर नेक्स्ट, N। तो जहाँ जहाँ कोल्ड वर्ड होगा बेसिकली हमें आपको दिखाई देगा। ओके, आप देख सकते हैं। अब ये बात हो गई असेंडिंग ऑर्डर में, अब हमें चेक करना है बेसिकली डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन मार्क साइन का, फिर हम लिखेंगे कोल्ड, फिर करेंगे एंटर, फिर करेंगे एन से नेक्स्ट। ये अब डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी नीचे से ऊपर की तरफ आपको ये वर्ड फाइंड करके देगा। तो इस तरीके से आप बेसिकली लेस कमांड का यूज़ कर सकते हैं और अपने फाइल को अपने हिसाब से चीज़ों को ढूंढ सकते हैं और अच्छे से अपने फाइल को पढ़ सकते हैं। तो गाइस ये है लेस कमांड, मैंने आपको बता दिया, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।